अरब में महाजंग का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि इसराइल को परमाणु बंधक बनाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी ने डर्टी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। जानते हैं हिजबुल्ला हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को डर्टी बॉम्ब की खेप किसने दी? सीरिया में मौजूद रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने। और जैसे ही हिजबुल्ला हूती को डर्टी बॉम्ब मिला, ड्रोन के जरिए इसराइल की रेकी शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों ने इसराइल के 5 ठिकानों का टारगेट किया है जहां किसी भी वक्त डर्टी बॉम्ब से विस्फोट हो सकता है। तो क्या इसराइल बनेगा दूसरा हिरोशिमा? क्या दशकों तक इसराइल पर मंडराएगा नरसंहार का खतरा? देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 8 दशक पहले जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दागा गया था। इस न्यूक्लियर अटैक में न सिर्फ भीषण विस्फोट हुआ बल्कि परमाणु हमले के बाद फैले रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी लील ली। दशकों तक जापान के ये दो शहर रेडिएशन इफेक्ट का कहर झेलते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु प्रहार महाशक्ति अमेरिका ने किया था, लेकिन इस बार ना एटम बम दागे जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर मिसाइलों से कोई प्रहार होगा। बावजूद इसके अरब में मौजूद एक मुल्क की आवाम तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएगी। दशकों तक ऐसा नरसंहार होगा जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। अब तक इसराइल और ईरानी प्रॉक्सी में जंग बम गोला बारूद से लड़ी जा रही थी। तक बैटल ग्राउंड में आसमानी जंगबाजी जमीनी योद्धा कोहरा मचा रहे थे। मगर अब दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरानी प्रॉक्सी इसराइल के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसराइल के शहरों और एटमी प्लांट में डर्टी बम से विस्फोट कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ने हिजबुल्ला को डर्टी बम की सप्लाई की है। यमन के होती लड़ाकों को भी पीएमसी वैगनर ने डर्टी बम की खेप डिलीवर की है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान ने अफ्रीका से भारी तादाद में यूरेनियम जैसे काफी रेडियो एक्टिव पदार्थ खरीदे थे और इसी के तहत यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने डर्टी बम की खेप वाया इराक सीरिया भेजी जहां पीएमसी वैगनर का मिलिट्री बेस है। और फिर वैगनर ने लेबनान के हिजबुल्ला संगठन को डर्टी बम सप्लाई की। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्ला ने डर्टी बम मिलने के साथ ही इसराइल के 5 बड़े शहरों या फिर एटमी ठिकानों की रैकी भी शुरू कर दी है, वो भी हुदहद ड्रोन के जरिए। मकसद साफ है, इसराइल के अहम ठिकानों में डर्टी बम को प्लांट करना और फिर जोरदार धमाके के साथ इसराइली धरती को डर्टी बम के प्रहार से सुलगाना। अब सवाल यह है कि डर्टी बम क्या होता है, यह कितना विनाशक होता है, क्या इससे भीषण नरसंहार हो सकता है, और सबसे अहम यह कि इसके इस्तेमाल से क्या इसराइल दूसरा हिरोशिमा बन सकता है। तो आपको बता दें कि तकनीक के तौर पर डर्टी बॉम्ब को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है, मतलब इसके विस्फोट से रेडिएशन फैल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि डर्टी बॉम्ब में डायरेक्ट रेडियो एक्टिव कॉन्टेंट नहीं होता, जबकि डर्टी बॉम्ब को बनाने में रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी रेडिएशन फैलाने वाले कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर डर्टी बॉम्ब को बनाने में सीजियम 137, कोबाल्ट 60, पोटाशियम 40 और यूरेनियम 238 जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल होता है।
आपको बता दें कि डर्टी बॉम्ब को डायनामाइट के जरिए विस्फोट कराया जाता है। डर्टी बॉम्ब के धमाके में लोगों के मारे जाने का खतरा तो कम होता है, मगर डर्टी बॉम्ब से निकले रेडिएशन से घातक बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा होता है। परमाणु बमों की तुलना में डर्टी बम को बनाना काफी आसान होता है और डर्टी बम के छोटे छोटे विस्फोट से एक सीमित दायरे में आसानी से रेडिएशन फैलाया जा सकता है। और शायद ईरानी प्रॉक्सी भी इसी प्लान के तहत हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान दशकों से परमाणु बम बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। मगर अब तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि इसराइल को तबाह करने के लिए ईरान ने रेडियो एक्टिव वेस्ट से डर्टी बम तैयार किए हैं। और अब उसकी खेप हिजबुल्ला हौती संगठनों को देकर इसराइल पर डर्टी बम से प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक हिजबुल्ला होती ने इसराइल के 5 ठिकानों को डर्टी बम से दहलाने की तैयारी की है। आखिर वो कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला ठिकाना तेल अवीव, जो कि इसराइल की राजधानी है। यही से नेतन्याहू गाजा और ईरानी प्रॉक्सी पर हमले का ऑर्डर देते हैं। दूसरा ठिकाना यरूशलम, जहां अलक्सा मस्जिद को लेकर इसराइल और अरब के मुस्लिम देशों में विवाद है। तीसरा ठिकाना हाइफा, उत्तरी इसराइल में भूमध्य सागर से सटा तटीय शहर, इसराइल का अहम पोर्ट है। चौथा ठिकाना इलात, जहां इसराइली नौसेना ने नेवल बेस और सैन्य अड्डा बना रखा है। पांचवा ठिकाना दिमोना, इसराइल का तीसरा बड़ा शहर, जहां परमाणु प्लांट और एटमी हथियारों का गोदाम मौजूद है। बड़े शातिराना अंदाज में हिजबुल्ला के ड्रोन दिमोना में दाखिल हुए और वहां मौजूद एटमी प्लांट की तस्वीरें कैप्चर कर दुनिया के सामने जारी की। और इसके साथ ही ये मैसेज भी दे दिया कि हिजबुल्ला जब चाहे जैसे चाहे इजरायली धरती को दहला सकता है। यकीन मानिए, अगर हिजबुल्ला या फिर होती इसराइल पर डर्टी बम विस्फोट कराने में कामयाब रहे तो फिर इसराइल का दूसरा हिरोशिमा बनना तय है। क्योंकि भले ही डर्टी बम से एटमी हमले जैसी तबाही ना मचे, लेकिन डर्टी बम से निकला रेडिएशन धीरे धीरे इसराइल के लोगों को मरने पर मजबूर कर देगा। और दशकों तक इसराइल डर्टी बम से निकले रेडिएशन के दंश से कराहता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर फ्रंटलाइन से। फ्रंटलाइन पर रूस के आर्टिलरी हमले हुए हैं। यूक्रेन की यूएवी लॉन्चर पोस्ट तबाह हो गई है। रूसी जपाट ग्रुप की हॉविट्ज़र से गोलाबारी देखने को मिली।